तहमीद और तंजीम को इस प्रोग्राम का आगाज करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और मुकर्रमीन मुआनिसीन बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बिला तहमीद और तंजीम के मैं इस प्रोग्राम का आगाज करना चाहता हूँ। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले हर चीज का कुछ उसूल और ज़वाबित होते हैं। कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई शोरूम, कुछ भी हो, हर चीज दस्तूर के मुताबिक, उसूल के मुताबिक चला करती है। वैसे ही हमारा आज का ये प्रोग्राम जो इस्लामी समाज के नाम पर रखा गया है, इस प्रोग्राम को भी सही ढंग से चलाने के लिए और इस प्रोग्राम को दस्तूर के मुताबिक और उसूल के मुताबिक चलने और चलाने के लिए भी हम वही दस्तूर को अपनाएंगे जो दस्तूर पुरानी और ज़माने कदीम से चला आ रहा है। मोहतरम सामी, ये प्रोग्राम का दस्तूर हुआ करता है कि प्रोग्राम की कोई सदर, कोई नाज़िम, कोई किसी के ज़ेर निगरान हुआ करता है, इसलिए आज के इस प्रोग्राम का सदर है बहरहाल फिलहाल तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी किसी ज़रूर खाली रहेगी, लेकिन नाम पेश कर दिया जा रहा है कि आज के इस प्रोग्राम का सदर फजीलत शेख अत्तरतूर जनाब सईद अहमद बंदी हाफिज़हुल्लाह अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस आंध्र प्रदेश, जो आज के इस प्रोग्राम का सदर रहेंगे। उसके बाद हमारे मेहमान खुसूसी फजीलत शेख जनाब हाफिज अब्दुल करीम साहब उन्हीं हाफिज़हुल्लाह बेंगलोर से जो तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे अदब और एहतराम के साथ ये अर्ज करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो आए और दाहिनी तरफ जो कुर्सी लगी हुई है उस कुर्सी की जीनत लिखाएं। अब्दुल करीम साहब उन्हीं हाफिज़हुल्लाह बेंगलोर। उसके बाद फजीलत शेख जनाब मोहम्मद हामिद मदनी हफ़िज़हुल्लाह, ये भी हमारे मेहमान खुसूसी हैं जो हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं, उनसे भी अदब और इहतराम के साथ में अर्ज करता हूँ कि वो भी आए और दाहिनी तरफ जो दूसरे नंबर की कुर्सी लगी है उस कुर्सी की ज़ीनत निभाएं। उनके बाद फजीलत शेख जनाब फहीम साहब सलफी हफ़िज़हुल्लाह, ये भी हमारे मेहमान खुसूसी हैं, ये भी हैदराबाद से तशरीफ से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी आए और दाहिनी तरफ जो तीसरे नंबर की कुर्सी लगी है उस कुर्सी की ज़ीनत बनाए। उनके बाद फजीलत शेख जनाब बिलाल कुंडी साहब हाफिज़हुल्लाह जो विजयवाड़ा के ही रहने वाले हैं, मैं उनसे भी अदब और इहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो आए और हमारे बाएं तरफ जो कुर्सी लगी है उस कुर्सी की ज़ीनत बनाए। इसी तरह फजीलत शेख जनाब शहजाद असरी साहब हाफिज़हुल्लाह इमाम खतीब मस्जिद कुरैश विजयवाड़ा से भी मैं अर्ज करता हूँ कि वो भी आए और हमारे बाएं तरफ जो कुर्सी लगी है उस कुर्सी की ज़ीनत बनाए। इसी तरह फजीलत शेख जनाब अतीकुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह अमीर शहरी जमीयत अहले हदीस विजयवाड़ा से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और हमारे बाएं तरफ जो कुर्सी लगी है उनकी कुर्सी की ज़ीनत बनाए। तो मोहतरम सामी, एक दस्तूर हुआ करता है प्रोग्राम के जो वाइजीन होते हैं, मुकर्ररीन होते हैं, उनका मकाम मरतबा को देखते हुए उन्हें ये मरतबा दिया जाता है, इसलिए इस काम को अंजाम देने के बाद मैं जिला काफी कानून के मैं इस प्रोग्राम का आगाज करना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से होगा इंशाअल्लाह, और इस प्रोग्राम के आगाज के लिए तिलावत कलाम पाक के लिए
कसीद शेख जनाब हाफिज बिलाल साहब मौनी हफिजाउल्लाह से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और तिलावत कलाम पाक कर इस प्रोग्राम का आगाज करें। मैं शेर को इस शेर के साथ बुलाना चाहूँगा कि क्या ही खुश वक्त है जो हाफिज कुरान हुए, क्या ही खुश वक्त है जो हाफिज कुरान हुए, क्या ही सीने में जो कुरान के जज्बात हुए, क्या ही सीने हैं जो कुरान के जज्बात हुए। इसमें अल्लाह ने रखी है बला की तासीर, इसमें अल्लाह ने रखी है बला की तासीर, इसी कुरान को सुन के उम्र मुसलमान हुए, इसी कुरान को सुन के उम्र मुसलमान हुए। आइए शेर हाफिज बिलाल साहब السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا फजीलत शेख मौलाना मुश्तफा असमल
मदनी हफीज अल्लाह के लिखे हुए चंद अशआर आप लोगों के सामने नजर करता हूं। क्या खूब जिला पार्वती ने की फजा है, क्या खूब जिला पार्वती ने की फजा है, दुश्मन जो थे वो दोस्त हुए एक नजर में, दोस्त हुए एक नजर में, दुश्मन जो थे वो दोस्त हुए एक नजर में, ये कैसी मेरे प्यारे मोहम्मद की अदा। हजरत अनस को आप उफ तक नहीं कहा, हजरत अनस को आपने उफ तक नहीं कहा, दस साल तलक आपका खादिम जो रहा है, हाथों में लिए खुशबू लौटा है अपने घर, लौटा है अपने घर, हाथों में लिए खुशबू लौटा है अपने घर, जिस शख्स ने भी हाथ मोहम्मद का छुआ है। ताइफ के सफर में तबलीग के लिए जो गए थे और ताइफ वालों ने क्या बदला दिया था वो मंजर का नक्शा दिया जा रहा है। उस जिसमें मुबारक पे हुई संग की बारिश, संग की बारिश, उस जिसमें मुबारक पे हुई संग की बारिश, ताइफ की मशीनों के लिए फिर भी दुआ है। किस मुंह से वो कहता है मैं आशिक हूँ नबी का, आशिक हूँ नबी का, जो काम हो इस दिन में नया और अनोखा, नया और अनोखा, जो काम हो इस दिन में नया और अनोखा, वो काम है मर्दूद मोहम्मद ने कहा। हमारे बीच कुरान और सुनन छोड़ के गए हैं, इस तरह तो ही वो सही है, इसका तर्जुमा करते हुए कह रहे हैं मौलाना साहब, मजबूती से पकड़े तो ना गुमराह हो अजमल, ना गुमराह हो अजमल, मजबूती से पकड़े तो ना गुमराह, ओ आन सुनन आप
खूब से आबाद मदीने की फजा है।